वेलकम बैक टू देसी स्पार्क। 2022 में इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफी कवरों में चेंजेस देखने को मिला, जैसे बलेनो का फेसलिफ्ट आया, टोयोटा कैलेंजा का फेसलिफ्ट, वैगनार का फेसलिफ्ट, सेलेरियो में सीएनजी, डिजायर में सीएनजी एंड वहीं टाटा की टियागो एंड टिगोर में भी सीएनजी आ गए। बट एक कार जो इंडियन मिडिल क्लास फैमिली के दिलों पर राज करती है, इसका फेसलिफ्ट अभी तक नहीं आया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी ऑल्टो का। एंड आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऑल्टो का फेसलिफ्ट कब तक आने वाला है, क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा इंजन से लेकर इंटीरियर से लेकर। तो मेक श्योर आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। काफी टाइम से मारुति सुजुकी ऑल्टो 2022 का टेस्टिंग कर रही है एंड अब मारुति ये भी समझ गई है कि बिल्ड क्वालिटी एंड रोड प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आप अपने स्क्रीन पर ये ऑल्टो देख सकते हो, पुराने वाले ऑल्टो से तो ये कार काफ़ी ज़्यादा चेंज है इन टर्म ऑफ डायमेंशंस, क्योंकि इस कार का हाइट थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। एंड अगर पीछे से बात करते हैं तो कुछ एस्प्रेसो जैसा इसका लुक आ रहा है, वहीं अगर फ्रंट से बात करते हैं तो इस कार का लुक मारुति की ए स्टार जैसा लग रहा है। इन कंपेयर टू ओल्ड ऑल्टो ये कार काफ़ी अच्छी लग रही है रोड प्रेजेंस के मामले में। वहीं लाइटों में भी काफ़ी ज़्यादा चेंज किया है। फ्रंट में जो लाइट का डिज़ाइन है ये पुराने वाले से बिल्कुल चेंज है एंड बम्पर पे भी काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को मिल रहा है। ऑल दो ये कार कैमोफ्लॉज में है तो कुछ ज़्यादा इसके बारे में बता नहीं सकते, बट जो कुछ इसके रेंडर्ड इमेज सामने आए हैं ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं इस कार का कैसा लुक है। एंड आप खुद समझ सकते हैं कि इस कार में काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिला। इवन इस कार का इंजन भी चेंज मिल सकता है हमें, यहाँ तक भी हो सकता है कि शायद अब ऑल्टो में एक 1 लीटर का भी इंजन देखने को मिल जाए। एंड ये काफ़ी अच्छा होगा अगर ऑल्टो में 1 लीटर का इंजन आएगा। वेल इंटीरियर में भी काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा एंड इवन हमें टच स्क्रीन वगैरह भी थोड़े बड़े देखने को मिल सकते हैं। एंड साथ ही साथ शायद ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन ऑल्टो वार्सो में आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। बट फ्रंट से ये कार टोटली ए स्टार जैसा लग रहा है। साइड लुक की बात करते हैं तो साइड से भी इस कार का डिज़ाइन चेंज है पुराने वाले ऑल्टो से। एंड अगर बैक साइड से बात करते हैं तो बैक साइड में इस कार का जो कुछ डिज़ाइन है ये एस्प्रेसो एंड सेलेरियो से मिलता जुलता लग रहा है। वहीं अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो नो डाउट आजकल मारुति सुजुकी भी बिल्ड क्वालिटी पर फोकस कर रहा है, बट अब ये बलेनो के क्रैश टेस्ट होने के बाद क्लियर होगा कि नए वाले बलेनो में मारुति ने क्या बिल्ड क्वालिटी दिया है। अगर नई वाली बलेनो 4 स्टार या 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग पाती है तो ये तो श्योर है कि मारुति सुजुकी अब बिल्ड क्वालिटी पर काफ़ी फोकस कर रही है, क्योंकि मारुति को भी पता है कि मारुति की कारें इंडियन मार्केट में केवल बिल्ड क्वालिटी के मामले में ही पीछे होती हैं। बाकी जो रिलायबिलिटी, जो लो मेंटेनेंस कारें हैं, लो बजट की कारें मारुति प्रोवाइड कर रही है ये कोई कंपनी नहीं प्रोवाइड कर पा रही। तो आने वाले 2 से 3 महीने में हमें ऑल्टो 2022 फेसलिफ्ट देखने को मिल जाएगा एंड ये कार देखने में तो काफ़ी अच्छा लगता है। सो अगर आप भी कोई एक छोटी कार का वेट कर रहे हैं तो कुछ दिन आप रुक जाइए, क्योंकि ऑल्टो 2022 का फेसलिफ्ट आने ही वाला है। वेल और कुछ खास इस कार के बारे में बताने लायक था नहीं, क्योंकि जब तक इंटीरियर सामने नहीं आएगा तब तक कोई चीज़ हम बता नहीं सकते कि क्या कुछ फीचर्स इसमें मिलने वाला है। जो पुराने वाले फीचर्स आते थे उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा इसमें मिलने वाला है। ऑल दो ये एक बजट कार है तो इसमें ज़्यादा कुछ फीचर्स हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो ये था छोटा सा वीडियो ऑल्टो फेस्टिव 2022 को लेकर। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।